दोस्तों Realme 2 Pro आज ही हमारे पास आया है और आज ही कंपनी ने इस पे एक अपडेट भी दे दिया है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि इस अपडेट के बाद क्या कुछ चेंज हुआ है। और स्पेशली दोस्तों ये अपडेट जो था कैमरा से रिलेटेड था और कंपनी ने कहा है कि कैमरा में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको कि सच में क्या कैमरा में इम्प्रूवमेंट हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं दोस्तों कंप्लेन कर रहे हैं कि Realme 2 Pro का जो फ्रंट कैमरा है वो इतना खास नहीं है, उसमें जो है एक्सपोजर अच्छा से सेट किया हुआ नहीं है, फोटो काफ़ी वाइटिश आ रही है। और मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में कि अपडेट के बाद कितनी हद तक जो है कैमरा फिक्स हुआ है या फिर नहीं फिक्स हुआ है और बाकी क्या चीज़ें जो है और नई ऐड हुई है, सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास अपडेट जो है आ गया है और ये अपडेट जो है दोस्तों लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज का है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है बहुत चीज़ें और भी आपको देखने को मिली है, जैसे कि इसमें कैमरा का कुछ अपडेट दिया गया है और ये अपडेट जो है दोस्तों लगभग से 165 MB की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ चेंजेस जो है आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिला है। तो सबसे पहले जो है देखिए यहाँ पे ऑप्टिमाइज कैमरा इफेक्ट इन लोकल एंड थर्ड पार्टी कैमरा ऐप, तो यहाँ पे कैमरा जो है एप्लीकेशन है उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया गया है ताकि आप बेटर क्वालिटी की फ़ोटोज़ ले सकें। उसके बाद ऑप्टिमाइज रेजोल्यूशन रेशियो ऑफ कैमरा स्टिकर्स, उसके बाद अपडेट ईमेल एड्रेस इन द सर्विस इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो चेंज है चेंजेस ब्लॉक बैनर टू नोटिफिकेशन अलर्ट एड टू कोरिस्पोंडिंग आइकॉन नो स्टेटस बार, उसके बाद जो पांचवा चेंज है एड फंक्शन दैट एक्टिवेट गूगल असिस्टेंट बाई प्रेसिंग द पावर बटन फॉर 0.5 सेकेंड। तो मेन जो अपडेट है दोस्तों वो है कैमरा का। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक नया फंक्शन ऐड करके दिया गया है कि अगर आप 5 सेकंड तक अपना पावर बटन को दबा के रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो यही कुछ चेंजेस जो है आपको देखने को मिला है और 165 MB का जो है ये अपडेट था। तो सबसे पहले हम लोग जो है कैमरा चेक करेंगे कि कैमरा में क्या कुछ हमको चेंजेस देखने को मिला है। तो मैं आपको फोटोज जो है दिखा देता हूं और भी कि अपडेट के बाद क्या कुछ चेंजेस हुआ है। कैमरा को लेकर दोस्तों फ्रंट कैमरा को खास करके लेके एक ही बात कहना चाहूंगा अभी कि इस अपडेट के बाद जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है हुआ है और फोटो की जो क्लियरिटी है वो ठीक है, लेकिन फ़ोटो में एक्सपोजर जो है थोड़ा ज़्यादा है, वाइट बैलेंस जो है ठीक नहीं है और फ़ोटो थोड़ी वाइटिश आ रही है। अगर Realme अगले अपडेट में इसको फिक्स कर देता है तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी, बहुत सारे लोगों को लग सकता है क्योंकि फ़ोटो जो है वाइटिश आ रही है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा Realme से कि आप जो है अपडेट अगले अपडेट में इसको फिक्स कर दीजिए और फ़ोटो जो इतनी वाइटिश आ रही है एक्सपोजर को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। बाकी आप जो है ये देख सकते हैं 5 सेकंड तक अगर आप पावर बटन को होल्ड करके रखेंगे तो आपका गूगल असिस्टेंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा गूगल असिस्टेंट जो है एक्टिवेट हो गया है। ओके गूगल, हाय MD Mubis here, I'm your assistant here to help you throughout your day, here are some things you can try saying to get started। तो देख सकते हैं ये हमारा गूगल असिस्टेंट जो है एक्टिवेट हो गया है। तो यही कुछ चेंजेस हुआ है। यहाँ पे अभी भी आपको किसी तरह का थीम स्टोर ऑप्शन नहीं मिलता है, फॉन्ट चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये अपडेट जो है Realme को देना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ कैमरास को लेके, कैमरा में खास करके फ्रंट कैमरा में, रियर कैमरा में कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्रंट कैमरा में मुझे अभी भी लगता है कि जो फोटोज़ आते हैं ना वो इतने क्लियर नहीं आते हैं और थोड़े वाइटिश फ़ोटो आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि फ़ोटो जो है इतनी अच्छी नहीं आ रही है। बाकी मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो फोटो ठीक है, लेकिन यहां पे अगर एक्सपोजर को Realme थोड़ा ज्यादा बढ़िया से सेट कर दे तो ज्यादा बेटर हो सकता है और हम लोग को जो है और भी बेटर क्वालिटी की फोटोज फ्रंट कैमरा से देखने को मिल सकते हैं। तो बस दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट Realme के Realme 2 Pro को लेके कि इसमें एक लेटेस्ट अपडेट आया है और अपडेट के बाद जो है बहुत ज़्यादा कैमरा में चेंजेस नहीं हुआ है दोस्तों। तो मैं बस Realme से यही कहना चाहूँगा, अगर Realme का कोई भी आदमी ये वीडियो देख रहा है तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप थीम चेंज करने का ऑप्शन दीजिए, थीम स्टोर जो है आप लोग लाइए और साथ ही आप जो है फॉन्ट चेंज करने का भी ऑप्शन हम लोग को दीजिए, क्योंकि ये फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत लोग जो है इसकी
डिमांड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो कर देना इस वीडियो को लाइक, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।